जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ियाउर रहमान ज़िलज और अभी हम बात करेंगे 10th चैप्टर के मतलब जो कि 8th हैबिट का है और उसका नाम है ब्लेंडिंग वॉइसेस सर्चिंग फॉर थर्ड अल्टरनेटिव। याद रखिएगा हम मॉडलिंग पढ़ रहे थे, उसमें 8th चैप्टर था कि ट्रस्ट और कम्पिटेंसी और करेक्टर के मतलब बात की गई थी मॉडलिंग के हवाले से। फिर हमने 9वें चैप्टर में बात की कि अगर मॉडल बनना है आपने, अच्छी मॉडलिंग पर्सनालिटी वाला रोल अदा करना है तो फिर ज़रूरी है। 9वें चैप्टर में मैंने बात की कि ट्रस्ट बिल्ड, और ट्रस्ट बिल्ड होने के लिए हमने इमोशनल बैंक अकाउंट के मतलब पढ़ा, मॉरल अथॉरिटी के मतलब पढ़ा। और फिर 10th चैप्टर ये है कि अगर आपने फिर मॉडल पर्सनैलिटी बनना है, अच्छे लीडर बनना है, मॉडलिंग वाले रोल को पूरा करना है तो एक और खूबी होना बहुत ज़रूरी है, वो है जी सर्चिंग फॉर थर्ड अल्टरनेटिव। क्या आप कहीं ना कहीं कहीं कन्फ्लिक्ट आए, कहीं कोई मामला आपके साथ कोई हादसा हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए वर्कर्स के दरमियान, तो आपने उनमें अगर आपने सुलह करवानी हो भाई साहब तो थर्ड अल्टरनेटिव सर्च करना बड़ा ज़रूरी है। आप किसी भी पहलू का तो थर्ड अल्टरनेटिव ले आएँ। थर्ड अल्टरनेटिव कह लें कि एक बेहतरीन सोल्यूशन होता है, इसलिए लीडरशिप के पास हर मसले का सोल्यूशन होना बड़ा ज़रूरी है। कोई बड़े सा बड़ा कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए, मसला आ जाए, तो आप थर्ड अल्टरनेटिव ला के रख दें और जनाब हल निकाल दें उसका। तो ये 10वां चैप्टर लीडरशिप के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मॉडलिंग वाली लीडरशिप हो। उसके लिए हमने 8वें चैप्टर में पढ़ा करेक्टर और कम्पिटेंसी, 9वें चैप्टर में हमने पढ़ा कि ट्रस्ट बिल्ड कैसे करना है, मॉरल अथॉरिटी कैसे बनना है, उसके लिए ज़रूरी था इमोशनल बैंक अकाउंट वाला पढ़ा हमने, डिपॉजिट विड्रॉ। 10th चैप्टर में हम पढ़े सर्चिंग फॉर थर्ड अल्टरनेटिव। और याद रखिएगा सर्चिंग फॉर थर्ड अल्टरनेटिव में सबसे अहम चीज़ है ना, जो इस चैप्टर में कोई सवाल पैदा हो सकता है तो थर्ड अल्टरनेटिव हो सकता है, या लिसनिंग की 5 टाइप्स इसमें आई हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं, जो आपने 5th हैबिट में भी पढ़ी हुई है, उसको अब लिंक करना है थर्ड अल्टरनेटिव के साथ। तो थर्ड अल्टरनेटिव तब होगा जब आप दो फ्रीक हैं जिनके आपने थर्ड अल्टरनेटिव, या दो मामले हैं तो अब आपने थर्ड वाला लेके आना, दरमियाना मामला जो दोनों को काबिले कबूल। तो ये वाला जो ग्रुप है ये कह रहा है नहीं हमारी बात सच्ची है, ये ग्रुप कह रहा है हमारी बात सच्ची है, तो आपने दोनों की बात को पहले तसल्ली से सुनना है, सुनेंगे तो थर्ड अल्टरनेटिव दे सकेंगे। अगर कहीं कोई पॉइंट मिस कर गए तो सही थर्ड अल्टरनेटिव नहीं दे सकेंगे जो दोनों को काबिले कबूल हो। इसलिए आपने दोनों ग्रुप्स की बात को बड़ी तसल्ली से ना सिर्फ सुनना है बल्कि समझना है, फिर दूसरे ग्रुप की बात को समझना है, समझने के बाद आप थर्ड अल्टरनेटिव देंगे। अगर आप लीडरशिप की बाकी खूबियों को पूरा करते हैं तो आप देने में कामयाब हो जाएंगे थर्ड अल्टरनेटिव। फिर कहता है कि इसलिए इसमें क्या ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इसलिए इसमें ज़रूरी है कि हम दूसरों को लिसन करना शुरू कर दें। तो कहता है वाई डू वी लिसन, अगर इसने एक सवाल किया, इसने कहता है बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं सुनते बल्कि उनको रिप्लाई देने के लिए सुन रहे होते हैं, इसलिए मामला ख़राब होते हैं। लेकिन हमने क्या करना है भाई साहब, और आपने भी इस वीडियो को मेरा रिप्लाई दे, मुझे रिप्लाई देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए काम आएगी पेपर में आपके। कहता है जी क्या कहता है व्हाट आर दी मेन हर्डल्स इन दी वे टू विन 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 वाली सिचुएशन में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। वो सबसे बड़ी रुकावट पता है क्या जी, हम किसी की बात को सुनते नहीं हैं, समझने के लिए नहीं सुनते, इसलिए मसाइल पैदा होते हैं। हमने थर्ड अल्टरनेटिव देना है, इसकी बात को तसल्ली से सुनना, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लिसन करें। लिसन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, उसने फिर बताया कि सिर्फ 17% ऑफ वर्कर्स फील दी कम्युनिकेशन इन देयर ऑर्गेनाइजेशन ट्रूली ओपन कैंडिड एंड रिस्पेक्टफुल। तो अब उसके लिए कहता है क्या ज़रूरी है, स्किल सेट, यहाँ जो मैंने स्लाइड ओपन की हुई है वो आप भी ओपन कर लीजिएगा, स्किल सेट ऑफ सर्चिंग थर्ड अल्टरनेटिव। स्किल सेट क्या होना चाहिए थर्ड अल्टरनेटिव के लिए, उसने बताया कि 5 उसमें लिसनिंग की टाइप्स हैं, वो बहुत ज़रूरी है। पहली इग्नोरिंग, दूसरी है प्रीटेंड लिसनिंग, तीसरी है सिलेक्टिव लिसनिंग, चौथी है अटेंटिव लिसनिंग, और 5वीं है एम्पैथेटिक लिसनिंग। तो आपको कैसा होना चाहिए भाई साहब, एम्पैथेटिक लिसनिंग वाला होना चाहिए। ये आपने 5th हैबिट में भी पढ़ा था, अभी दोबारा से पढ़ें तो ये लिसनिंग की टाइप्स लिख लेनी है। अगर आपसे पूछे कि थर्ड अल्टरनेटिव क्या है और लिसनिंग कंटिन्यूम क्या है, तो आपने ये 5 टाइप्स लिखनी है, और इसमें आपने बताना है कि विद इन दी अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपने किसी की बात को जब सुनना है तो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से समझने की कोशिश करनी है, ना कि अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो जब आप किसी की बात को उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सुनते हो तो ये एम्पैथेटिक लिसनिंग है, जब आप किसी की बात को अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सुनते हो तो ये पहली 4 लिसनिंग की टाइप्स है, इग्नोरिंग, प्रीटेंड, सेलेक्टिव और अटेंटिव लिसनिंग। इसलिए इन चारों में से कोई लिसनिंग नहीं करनी है, आपने 5वीं लिसनिंग करनी है एम्पैथेटिक लिसनिंग, ताकि आप सही तरीके से किसी को अंडरस्टैंड कर सकें।
यहाँ एक और टर्म है इंडियन टॉकिंग स्टिक, ये शायद इसके मतलब कोई सवाल तो ना, लेकिन बड़ी अहम चीज़ है, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कहता है जब आप किसी में सुलह करवा रहे हो ना, तो एक काम ये करें कि उसके हाथ में कोई चीज़ थमा दें, जैसे जी ये लेड पेंसिल है मेरे पास, तो आप ये जिसके हाथ में थमा दोगे सिर्फ वो बंदा बात करेगा। इसको उसने नाम दिया इंडियन टॉकिंग स्टिक का। उसने कहा जिसके हाथ में होगा वो बात करेगा, जब मैं जब तक ये हाथ मेरे हाथ में है तो सिर्फ मैं बात करूँगा, बाकी सब मुझे तसल्ली से सुनेंगे। फिर जब ये मैं दूसरे भाई को दे देता हूँ तो फिर वो भाई इसके मतलब वो भाई बात करेंगे, अपनी बात मुकम्मल करेंगे, डिटेल से बताएंगे मेरे साथ क्या मामला हुआ, फिर कोई दूसरा बात नहीं करेगा, बोलेगा नहीं। इसको कहते हैं इंडियन टॉकिंग स्टिक। फिर उसके बाद है जी, यहाँ उसने एक बड़ा प्यारा जुमला बोला, टू स्टेप टू अचीव सिनर्जी। कहता है वुड यू बी विलिंग टू सर्च फॉर अ सॉल्यूशन दैट इज़ बेटर देन व्हाट अदर वन यू हैव प्रपोज। कहता है जो आपने प्रपोज किया था, कि आप चाहते हैं आपको उससे बेहतर सॉल्यूशन मिले, अगर आप चाहते हैं तो भाई साहब वो थर्ड अल्टरनेटिव है, आइए थर्ड अल्टरनेटिव की तरफ चलते हैं, हर मसले का थर्ड अल्टरनेटिव लेके आते हैं, और वो उससे बेहतर होता है जो आप चाहते हो या आपका अपोजिट ग्रुप चाहता है, मुखालफ जो आपका चाहता है, तो वो आप दोनों के प्रपोज किए हुए उससे ज़्यादा बेहतर है जो थर्ड अल्टरनेटिव होगा। यहाँ पे उसने इन्हीं जो हमने पहले जैसे जिक्र किया लिसनिंग कंटिन्यूम, इसी तरह ये मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कंटिन्यूम भी है, उसमें है सिनर्जी थर्ड अल्टरनेटिव, उसमें है जी कम्युनिकेशन कंप्रोमाइज़। पहले उसने यहाँ से स्टार्ट किया कंटेंशन से, हॉस्टिलिटी, फिर उसने बताया डिफेंसिव कम्युनिकेशन, ये दोनों कंटेंशन में आएगा। ट्रांजैक्शन में क्या आ रहा है, कम्युनिकेशन में कंप्रोमाइज़ करना, लेकिन आपको कैसा होना चाहिए, आपने ये दोनों काम नहीं करने, आपने तीसरा काम करना है सिनर्जी और थर्ड अल्टरनेटिव वाला, उसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसे। ये कम्युनिकेशन के मोड्स उसने बताए। फिर उसने चार पांच मिसालें दी हैं फार्मर और लायर की, उसने फिर एक फिल्म प्रोडक्शन की, एक मेक्सिको कंपनी की, फोन कॉल की, ग्रीन हाउस की, जिसमें थर्ड अल्टरनेटिव के उसने बताया कि कैसे दो मसले पैदा थे या दो मामला थे, उन्होंने किसको चूज़ किया और उन्होंने थर्ड अल्टरनेटिव का इस्तेमाल किया और वो कामयाब हो गए। यहाँ पे ये इस तरह की बातें हैं जी। सॉल्यूशन कंटिन्यूम में एक जिसमें वो बताता है, जैसे हमने पहले बात किया ट्रांजैक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन की, कंप्रोमाइज़ करना, विन लॉस या लॉस विन वाली सोच रखना, ये ट्रांजैक्शन है, और ट्रांसफॉर्मेशन क्या, जिस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, विन विन वाली सोच होना, उसके बाद कंप्रोमाइज़ ऑन इशूज़ के ऊपर, सिनर्जी ऑन इशू इन रिलेशनशिप लेके आना, ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है जी। और इस चैप्टर में यही कुछ है। थर्ड अल्टरनेटिव में लिसनिंग की 5 टाइप्स, सॉल्यूशन कंटिन्यूम में, कम्युनिकेशन कंटिन्यूम में, उनको एक एक दफ़ा देख लीजिएगा। जो सबसे अहम हो सकता है वो 5 टाइप्स आप लिसनिंग, और थर्ड अल्टरनेटिव क्या होता है, तीन दो ऑप्शन है हमारे पास, मरी जाना है या भाई साहब सवाद जाना है घूमने के लिए। एक ग्रुप कह रहा है सवाद जाना है, एक कह रहा है मरी जाना, ना मरी जाते हैं ना सवाद जाते हैं, आइए भाई इस्लामाबाद और मारगिला हिल जाते हैं। इस पे आप दोनों को कन्विंस कर लिया जाता है कि आप भी अपनी राय से हट जाएं, आप भी हट जाएं, दरमियानी रास्ता को ढूंढते हैं या नारायण का गान चलते हैं, इस पे दोनों राज़ी हो गए। इसको कहते हैं जी थर्ड अल्टरनेटिव। ये 10वां चैप्टर था मॉडलिंग के लिए, 8वां 9वां 10वां चैप्टर। 8वें चैप्टर में था करेक्टर और कम्पिटेंसी, हमने पढ़ लिया। 9वें चैप्टर में था कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है, इमोशनल बैंक अकाउंट के जरिए हमने पढ़ लिया। 10वां चैप्टर ये वाला था थर्ड अल्टरनेटिव, लीडरशिप के लिए बड़ा ज़रूरी है, तो वो कैसे आएगा, लिसनिंग करके, अंडरस्टैंड करके, अपना जो हम समझाना चाह रहे हैं वो अगले में ट्रांसफॉर्म करके। तो ये सॉल्यूशन कंटिन्यूम, कम्युनिकेशन कंटिन्यूम और लिसनिंग की टाइप्स पढ़ी, इनको एक दफ़ा देख लीजिए, मैं अभी स्लाइड से देख के पढ़ो। तो बहुत शुक्रिया, ये 10वां चैप्टर था, 11वें चैप्टर की तरफ चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।